खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है। लगातार हो रही बारिश के चलते गौरी शंकर नगर वार्ड नंबर एक में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कई मकान धराशायी हो गए और बहुत से लोग बेघर हो गए। बारिश की वजह से बढ़े जल स्तर के कारण खाने के सामग्री के साथ ही साथ स्वच्छ पीने का पानी की भी समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर यहाँ के आक्रोशित बाशिंदों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता मनोरमा नागेश्वर एवं संयोग कोचर द्वारा नगर वासियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए बालाघाट के विधायक बिसेन के आदेशानुसार गौरी शंकर नगर का जायजा करते हुए मौसम बिसेन, सत्यनारायण अग्रवाल और साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, गौरव श्रीवास्तव, मनोज पारदी, कपिल मेश्राम, वर्तमान पार्षद सिद्धार्थ शामिल रहे। इनके द्वारा वार्ड नंबर एक गौरी शंकर नगर में खाने का वितरण किया गया, जिससे लोगों में काफी सहानुभूति रही। यदि आज जो गौरी शंकर नगर में जो आपातकालीन जो स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए यहाँ के रहवासी लोगों में काफी आक्रोशित है, तो अभी तक के किसी प्रकार का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपके आने से ही अभी खाना वितरण हुआ है और इनके लिए क्या अच्छा हो सके। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रकृति का ऐसा भयानक प्रकोप पिछले 3 दिन से दिखा कि ये इतना जलभराव तो पहली बार इस क्षेत्र में दिखा आया है। निश्चित ही हम सबके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है और जो इस प्राकृतिक आपदा के कारण, जलभराव के कारण जो तमाम नुकसान सभी के हुए हैं, हम पूरा शासन प्रशासन उनकी सभी व्यवस्था में लगा हुआ है। अभी तत्कालिक जिनके घरों में पानी घुस गया है उनको अलग जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था करी गई है। अधिकांश लोग अपने आस पड़ोस में ही हैं। पहली ज़रूरत उनके लिए भोजन थी, जिसकी व्यवस्था भी की गई। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी, हमारे वार्ड नंबर 13 के पार्षद सिद्धार्थ शिंदे जी, सम्मान्य हमारे सत्यनारायण जी अग्रवाल सहित सभी लोग सुबह से, मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर राहत कार्य में लगे हुए हैं। अभी भोजन की व्यवस्था की गई है, शाम को भी भोजन की उपलब्ध कराया जाएगा और पानी जैसे ही छटता है सारा जगह का सर्वे कराकर उचित जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद सबको हो सकेगी, निश्चित ही हम सब कराएंगे। के सर में हाथ है, रहने का हाथ है, नहीं तो ये बेचारे कहाँ जाते। आज इन लोगों को गली गली के मोहताज हो जाते। क्यों ना ही शासन प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, खाना मिल जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो मैं चाहती हूँ। ऐसे आपातकालीन स्थिति में क्या चाहते हैं आपको? हम यही चाहते हैं कि हमको शासन प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, मगर आते जरूर है, सब रोड के पानी को देख के वहीं की वहीं वापस हो रहे हैं। मैं एडीएम साहब को फोन लगा रही हूँ, तहसीलदार सर को फोन लगा रही हूँ, कोई नहीं उठा रहे हैं, और थाने में लगा रही हूँ, कोई नहीं उठा रहे। फिर मजबूर होकर मैंने कलेक्टर महोदय जी को फोन लगाया, कलेक्टर महोदय जी ने फोन उठाए, फिर उन्होंने बोले क्या ठीक है मैं भेजता हूँ। अभी किसी प्रकार से प्रशासनिक तौर पे कोई ये नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला, नहीं नहीं कोई सहयोग नहीं मिला। हमारे भाई का कोचर जी से हमने निवेदन किया फोन लगा के, उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता भी आया और मकाने डूब गए हैं, कहना चाहिए 100 मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और उनके एक कागज निकालने का उनको मौका नहीं मिला है, और उतने पे भी शासन प्रशासन ना आके देखे तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि एक हम भी एक बहुत छोटे लोग है, हमको, हम समाज सेविका का कार्य करते, इसी कारण हमको लोगों का सहयोग देना बहुत जरूरी है। हम अपने घर को नहीं देख रहे, आज हमारे घर में भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, मगर हम इनको देख के हम सभ्य रहे आए हैं। शासन प्रशासन का काम है कि आके हम इनको देखे। अभी वर्तमान में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे कोचर जी ने हमको फोन पे लगा के बोला कि जितना अभी ये नाश्ता भेजा हूँ उतना बच्चों को खिलाओ और फिर मैं खाना भिजवा रहा हूँ, फिर खाना खिलाना। आपका परिचय? मैं संतोष मैथ, वार्ड नंबर 1 गौरी शंकर नगर से निवासी हूँ, और विगत 2008 से ये मोहल्ला बसा हुआ है और 2008 से ये मोहल्ले में मैं निवास करता हूँ, और 2008 से आज तक के जो है इस प्रकार से पानी नहीं आया मोहल्ले में, लेकिन विगत पिछले वर्ष 2019 से ये दूसरा वर्ष है जो आज मोहल्ला डूब रहा है, और दिन रात भी यदि बारिश होती है तो नाले का पानी बाड़ी तक नहीं आता, लेकिन जो भीमगढ़ डैम जो खोला गया है उसके कारण जो है ये मोहल्ला क्षतिग्रस्त हुआ है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे,
उन्होंने घोषणा किया था कि 31 दिसंबर सन 2012 तक जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का पट्टा दिया जाए। प्रशासन राजस्व विभाग की ओर से जो है 3 बार सर्वे किया गया मोहल्ले के माध्यम से। 3 बार जो है इष्टामों में 100-100 रुपये के जो है शपथ पत्र तहसील ऑफिस में जमा करवाए गए, लेकिन शिवराज सरकार पूर्व में चले गई लेकिन आज तक पट्टे नहीं मिले। और आज वर्तमान में वही भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार है। आपके मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ 2008 से विगत 14 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ के गरीबों को जो है पट्टा दिया जाए। जो विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जो है वंचित, और बिजली तो है, सड़क है लेकिन पक्की नहीं है, पानी का साधन है लेकिन वो भी जो है कभी हैंडपम्प खराब हो जाते हैं तो फिर जो है इधर उधर गुंडियाँ लेकर के लोगों को यहाँ से वहाँ विस्थापित होना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है दूर दूर से। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आज जो है हमारे लगभग 100 झोपड़े जो है पानी से डूबित हो चुके हैं, घर गृहस्थी का सामान जो है पूरा बिखर चुका है, घर गृहस्थी का सामान घरों से निकालने के लिए भी मौका नहीं मिला, घर गृहस्थी का सामान अनाज पानी से लेकर के खाने पीने कपड़े लत्ते का सारा संपूर्ण सामान जो है जलमग्न हो गया है। आज लाखों रुपए का एक एक घर का नुकसान हुआ है। तो या तो प्रशासन जो है सर्वे करा करके इसका मुआवजा दें, और मैं प्रशासन से आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप गरीबों को पट्टा दें। अगर गरीबों को अगर पट्टा देते हैं तो कालम का मकान खड़ा करके जो है अपनी सेफ्टी बुक खुद कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है पट्टे नहीं मिलने के कारण लोग जो है अपने सर छुपाने के लिए जैसा तैसा तो अपनी गरीब परिस्थिति के अनुसार बना लिए हैं, लेकिन पट्टा नहीं मिलने के कारण जो है उसको पक्का भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है खाने के लाले पड़ चुके हैं लोगों के। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से, फिर से पुनः बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ के गरीबों को पट्टा दिया जाए, जो क्षति हुई है उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि वो पक्के निर्माण करें और पक्के निर्माण करके जो है पुनः फिर से इस परिस्थिति खड़ी न हो। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।